बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का पार्ट एक, हिंदी का पार्ट एक सीखो। पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इसका शब्दार्थ प्रश्न अभ्यास और भाषा अध्ययन एवं व्याकरण खंड को देखेंगे। चलिए शब्दार्थ से स्टार्ट करते हैं। तरु, तरु मीन्स होता है पेड़ या वृक्ष। शीश, शीश मीन्स होता है सिर। नित, नित मीन्स होता है रोज। धीरज, धीरज मीन्स होता है धैर्य। स्वदेश, स्वदेश मीन्स होता है अपना देश। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ नहीं लिखे हैं, उन शब्दों के अर्थ कोष्टक में से छाट कर लिखो। ये शब्द थे, इनका अर्थ यहाँ नहीं लिखा हुआ था, हमने इसे कोष्टक से छाट करके लिखा। जलधारा, जलधारा मीन्स क्या होता है, बहता पानी। हरदम, हरदम मीन्स हमेशा। पथ, पथ मीन्स रास्ता। चलिए प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, फूलों से हम क्या सीख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा, फूलों से हम हंसना सीख सकते हैं। आप लोग अपने कॉपी में प्रश्न के नीचे में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, सूरज की किरणें हमें क्या संदेश देती हैं। उत्तर हो जाएगा, सूरज की किरणें हमें जगने और जगाने का संदेश देती हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, दीपक दिन रात जलकर हमें क्या सिखाता है। उत्तर हो जाएगा, दीपक दिन रात जलकर हमें अंधेरा हरना सिखाता है। प्रश्न नंबर चौथा है, जलधारा हमें क्या सिखाती है। उत्तर चौथा है, जलधारा हमें जीवन पथ में आगे बढ़ना सिखाती है। प्रश्न नंबर पांचवा है, ये बातें हमें कौन सिखाता है। चलिए देखते हैं, क नंबर दिया है जगना और जगाना। जगना और जगाना हमें सूरज की किरणें सिखाती हैं। ख नंबर है मिलना और मिलाना। मिलना और मिलाना हमें दूध तथा पानी सिखाती हैं। ग नंबर है नित्य गाना। नित्य गाना हमें भौरे सिखाते हैं। घ नंबर है जीवन पथ में आगे बढ़ना। जीवन पथ में आगे बढ़ना हमें जलधारा सिखाती है। अंग नंबर है हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना हमें धुएं सिखाते हैं। प्रश्न नंबर छठवां है, दीपक हमें प्रकाश देता है। ये चीज़ें हमें क्या क्या देती हैं। हमें लिखना है कि मधुमक्खी हमें क्या देता है। मधुमक्खी हमें शहद देता है। पेड़ हमें फल, फूल, वायु और औषधियाँ और छाया देती हैं। मिट्टी हमें आवास स्थल देता है। बादल हमें पानी देता है। प्रश्न नंबर सातवां है, तुम रोज सुबह कितने बजे उठते हो। बच्चों आप लोग जितने टाइम उठते हो उतना टाइम यहाँ लिख सकते हो। मान लीजिए कि आप लोग रोज़ सुबह 6 बजे उठते हैं, तो आप लोग लिखेंगे, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। अगर आप लोग 7 बजे उठते हो तो मैं लिखिएगा, मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठता हूँ। प्रश्न नंबर आठवां है, तुम घर के किन कामों में अपनी माँ या बड़ों की मदद करते हो। बच्चों आप लोग जिन भी कामों में अपने मम्मी या अपने घर के सदस्यों की मदद करते हो, आप लोग उन कामों को यहाँ उत्तर में, इसके उत्तर में लिख सकते हैं। भाषा अध्ययन एवं व्याकरण, पहला नंबर क्वेश्चन है, इस कविता में आए उन शब्दों को लिखो जिनकी तुक मिलती हो, जैसे बढ़ना चढ़ना। चलिए उसका और देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा जगना और जगाना। जगना और जगाना। इसके अलावा और क्या क्या है कविता में, मिलना और मिलाना। प्रश्न नंबर दूसरा है, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखो। समान अर्थ वाले मतलब जिनका अर्थ समान हो, जैसे कि सुमन। सुमन मीन्स क्या होता है, फूल। वृक्ष, वृक्ष यानी तरु। वायु, वायु यानी पवन। रवि, रवि मीन्स सूरज। धरा, धरा मीन्स पृथ्वी।
प्रश्न नंबर तीसरा है पढ़ो समझो और लिखो। जगना जगाना दिया हुआ है। मिलना का क्या हो जाएगा? मिलाना। झुकना का झुकाना। बच्चों यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।